हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर 10 का नेक्स्ट वीडियो है, जो कि हमारा सेल्स प्रेजेंटेशन। सेल्स प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है? इट इज़ लाइक अ डिस्कशन। सेल्स प्रेजेंटेशन टर्न्स इनटू डिस्कशन व्हेन द सेलर गिव्स आंसर टू द क्वेश्चन रेज बाय बायर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स ड्यूरिंग इट्स ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, ये एक तरीके का डिस्कशन होता है, ठीक है? प्रेजेंटेशन डिस्कशन में कब बदल जाता है, जब सेलर क्या करने जाता है, जो सामान बेचने जाता है और जो सामान खरीदता है, जब सामान खरीदने वाले का जवाब जब बेचने वाला देने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंटेशन एक डिस्कशन में बदल जाता है, ठीक है? ये हमेशा जवाब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर मैटर पे होता है। जैसे कंज्यूमर, जैसे सेलर है, ये पेन बेचने गया है, ठीक है? ये पेन बेचने गया है, तो क्या अगर हमें मान लीजिए बेचने आया है, ठीक है, हम उससे पूछेंगे ना कि भैया इस पेन की क्वालिटी तो बताइए, कितने कैसी चलेगी, लिखने के बाद फैलेगी तो नहीं, जल्दी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ। तो क्या होगा कि वो जब हमारे क्वेश्चंस का जवाब देगा, तो ये प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, डिस्कशन में बदल जाएगी। जब तक वो सिंगल बोलेगा तब तक ये प्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है? वो हमें चीज़ें दिखा रहा है, जब तक वो पेन हमें दिखाएगा, खुद से बताएगा, तब तक ये क्या है, प्रेजेंटेशन है। लेकिन ये डिस्कशन में कब बदलेगा, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे और वो उसके आंसर देगा, ठीक है? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होगा, ऐसा नहीं कि हम उससे पूछने लगेंगे भैया तुम्हारा घर कहाँ ये बता दो, तो वो ये नहीं बताएगा मुझे, वो मुझे इस पेन के बारे में ही बताएगा, ठीक है? एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर होगा, उसी पे बताएगा, ठीक है? तो यही होता है हमारा सेल्स प्रेजेंटेशन। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको नोट्स के लिए कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।